Everyone, welcome to E-Study Farm, and in which we have completed our ancient history, yes, and we have completed our geography classics NCERT, and medieval history is to be continued, and important maps are to be continued. And here I am introducing a new series of GK. इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी 10 जीके के क्वेश्चन एंड आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन उसी के साथ होती रही. तो आप मेरे साथ जीके की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हैं? एंड रेडी है तो लेट्स बिगिन. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? सो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? सोचो सोचो. अर्धनाम इस ये जो पुस्तक थी वो चाणक्य जी ने लिखी, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है. अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी महापुरुष सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है. इनके बारे में कुछ और बातें हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, दैट इज 23 जनवरी 1897 में हुआ. एंड इन्होंने दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नारे दिए थे, जो कि जय हिंद एंड तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा था. अब हमारे तीसरे प्रश्न में आते हैं, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में जो स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका क्या नाम है? उसका नाम है विजय घाट. एंड इससे रिलेटेड एक और फैक्ट, दैट भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस साल में हुई? जो कि 1911 में हुई. यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो हिट लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल. नाउ महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत किसने रची थी? तो महाभारत रची थी महर्षि वेदव्यास ने. महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के भी साक्षी थे जो क्रमानुसार घटित हुई. अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक आसानी तक पहुँच जाती थी. हमारा पांचवा प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया. वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली नाविक था, समुद्र के रास्ते से भारत में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था. समुद्र मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम 20 मई 1498 को वास्को डी गामा द्वारा की गई. इन्होंने ही की, वह यह नौसेना का कमांडर था. उनका प्रमुख उद्देश्य भारत में मसाले का व्यापार करना था. हमारा छठवां प्रश्न, दैट इज वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये इसकी हिंट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दे दी है कि वह पुर्तगाल में रहने वाला था. हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है. हमारा आठवां प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. लग रहा है कि अच्छा जा रहा है, देन शेयर. ये थे गुरु नानक जी. इनके बारे में कुछ तथ्य हैं, गुरु गोविंद सिंह जी थे वो की जो कि सिखों के 10वें गुरु थे. लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है. सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी कुछ है. इनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावे भाई पटेल था, जो सरदार पटेल के नाम से भी लोकप्रिय थे. ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे. यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. तो यहाँ पर भी एक और फैक्ट है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी. एंड बैसाखी का नाम बैसाख से बना है. ये जो त्यौहार है रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है. रबी की फसल जो होती है वो पकती है तो उसकी खुशी, जैसे ही पकती है उसके बाद जो सिख लोग होते हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं उनका, और उस त्यौहार को बोला जाता है बैसाखी. यह 13 अप्रैल 1699 को 10वें जो गुरु गोविंद सिंह जी थे इस टाइम पर उन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी. सो सिर्फ 5 मिनट में 10 क्वेश्चन के साथ साथ अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. तो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर सिंपली सी दिस वीडियो, एक बार और अच्छे से देख लो. एंड अगर अच्छी लग रही है तो हिट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, जिस एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं.
एंड हियर आई मेघा साइनिंग ऑफ फ्रॉम ई स्टडी फार्म. बाय बाय.